दोस्तों की हाल चाल। रियलमी की तरफ से लॉन्च होने वाला है रियलमी C21 Y स्मार्टफोन। ये स्मार्टफोन टक्कर देने के लिए आ रहा है माइक्रोमैक्स N2B से। एंड ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस स्मार्टफोन में आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो माइक्रोमैक्स N2B में जो प्रोसेसर दिया गया था, सेम प्रोसेसर इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। एंड इसका प्राइस जो होने वाला है, इससे मतलब माइक्रोमैक्स N2B की आसपास ही आपको देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात कर लेते हैं रियलमी C21 Y स्मार्टफोन के बारे में। क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा, प्राइस क्या होने वाले हैं, एंड स्मार्टफोन आपको कब तक इंडिया में देखने को मिलेगा। हालांकि इसका जो इंडिया लॉन्च डेट है वो ऑलरेडी कंफर्म हो गया है, मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया है कि ये स्मार्टफोन आपको कब तक देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बात करते हैं रियलमी C21 Y के बारे में। उससे पहले दोस्तों मेरा नाम विकी और आप देख रहे हैं मोबाइल चेक पॉइंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर बात करें रियलमी C21 Y स्मार्टफोन के बारे में, तो आपको रियर साइड में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा विथ फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ, जो कि आपको बैक साइड में देखने को मिलेगा। साथ साथ फ्रंट साइड में आपको सेट ऑफ नॉच देखने को मिलेगा स्मार्टफोन। एंड यहाँ पर आपको कौन सा प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा, इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। उसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो पहली बात यह है कि स्मार्टफोन आपको 6.5 इंचेस की HD+ डिस्प्ले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको कोई भी फुल एचडी पर डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता है। सर यहाँ पर आपको IPS डिस्प्ले दिया गया है, यहाँ पर कोई भी एमोलेड वाला डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता है। आपको भी पता है कि इस प्राइस रेंज के अंडर अभी तक कोई भी स्मार्टफोन या फिर ब्रांड आपको एमोलेड के साथ देखने को नहीं मिलता है। उसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें स्मार्टफोन की रैम एंड रोम वेरियंट की, तो यहाँ पर आपको 3GB+32GB एंड 4GB+64GB वाला वेरियंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर आपको LPDDR4X की रैम एंड eMMC 5.1 की यहाँ पर आपको स्टोरेज टाइप देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ अगर बात करें कुछ कनेक्टिविटी वगैरह की, तो यहाँ पर आपको टाइप सी पोर्ट, 3.5 हेडफोन जैक वगैरह देखने को मिलेगा। साथ साथ यहाँ पर आपको रियर साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। फेस अनलॉकिंग सिस्टम दिया गया है। ट्रिपल कार्ड स्लॉट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पर आप दो सिम कार्ड के साथ साथ एक मेमोरी कार्ड भी यूज कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। साथ साथ दोस्तों अगर बात करें स्मार्टफोन की कैमरे के बारे में, तो यहाँ पर आपको रियर साइड में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। यहाँ पर आपको 13+2+2 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। जो 13 मेगापिक्सल की कैमरा है, वहाँ पर आपको 4x तक ऑप्टिकल जूम का सपोर्ट देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ एक डेप्थ एंड एक मैक्रो कैमरा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सेल्फी की अगर बात करें, तो सेल्फी यहाँ पर आपको 5 मेगापिक्सल का दिया गया है। जी दोस्तों, सेल्फी यहाँ पर आपको 5 मेगापिक्सल का दिया गया है, जो कि यहाँ पर भी मतलब इस प्राइस रेंज के अंडर अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा देखने को मिल जाता है, लाइक 8 मेगापिक्सल के सेल्फी भी देखने को मिल जाता है इस प्राइस रेंज के अंडर, लेकिन यहाँ पर आपको 5 मेगापिक्सल का देखे। तो रियलमी के स्मार्टफोन है, तो अच्छा फोटोग्राफी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पर आपको Android 10 या 11 ये कन्फर्म नहीं है। स्मार्टफोन आपको Android 11 देखने को मिल सकता है, जो कि लेटेस्ट अभी सारे चल रहा है ना, तो यहाँ पर आपको रियलमी UI देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ अगर बात करें प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पर आपको यूनिसस की तरफ से Unisoc T610 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि ऑलरेडी आपको माइक्रोमैक्स N2B में देखने को मिलता है। सेम प्रोसेसर आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। तो यूनिसस की प्रोसेसर बहुत सारे स्मार्टफोन में अभी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्मार्टफोन अभी इस प्राइस रेंज के अंदर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको ये प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। तो ये भी अच्छा प्रोसेसर है, डिसेंट प्रोसेसर है, इस प्राइस रेंज के अंदर ये प्रोसेसर बहुत ही अच्छा है मेरे हिसाब से। साथ साथ दोस्तों अगर बात करें स्मार्टफोन की बैटरी एंड फास्ट चार्जिंग के बारे में, तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की बड़ा बैटरी दिया गया, लेकिन फास्ट चार्जिंग क्या होने वाला है इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। नॉर्मली 10 वाट वाला फास्ट चार्जिंग शायद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया रियलमी C21 Y की फुल स्पेसिफिकेशन, जो कि रियलमी की तरफ से बताया गया। एंड ये स्मार्टफोन ऑलरेडी फिलीपींस में लॉन्च हो चुका है, तो इसकी वजह से कुछ स्पेसिफिकेशन वहाँ पे भी पता चल गया। तो ऐसा कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रियलमी C21 Y स्मार्टफोन में। प्राइस एंड इंडिया लॉन्च डेट की अगर बात करें, तो ये स्मार्टफोन आपको 23 अगस्त को इंडिया में देखने को मिलेगा। 12 बजे ये स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है। एंड प्राइसिंग की अगर बात करें, तो इसका प्राइस आपको जो 3GB+32GB जो वेरियंट है, इसका प्राइस आपको कुछ 8000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। एंड जो 4GB+64GB वाला वेरियंट है, आपको कुछ मतलब 9000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर आपको प्राइस देखने को मिलेगा रियलमी C21 Y की। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा रियलमी C21 Y के बारे में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड साथ साथ सब्सक्राइब करें।